वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर माई यूनिवर्सिटी एंड टूडे आई एम इन साइबर इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो तीन फ्लोर हैं वो हॉस्टल के, नीचे में सारे कैफ़ेज़ वगैरह अवेलेबल है, कैफ़े हैं, शॉप्स हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड दिस इज़ द व्यू आउटसाइड द हॉस्टल। सो लेट्स गो इनसाइड द हॉस्टल एंड विल सी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हाउ द रूम्स आर लाइक लोकेटेड ओवर देयर, कितने सीटर्स वाले लाइक रूम्स हैं उसमें, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाई वन। सो ये फोर्थ फ्लोर में जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, और इस फ्लोर का नाम सुंदरी रखा है। Да, из какой страны у вас? В большинстве студенты из Индии. Угу. Есть пару человек из Ирана, есть немного из ближнего зарубежья, Казахстан, Узбекистан. Ну, буквально считанные несколько человек. Так, ну все, собственно. So, yeah, hostel как коридор. Так, сейчас я свет включу. Вот здесь классная комната. Это учебный зал? Да, да. So this is a reading hall for the students, जो कि हॉस्टल में बनाया गया है। और ये स्पेस दिया गया है कपड़े वगैरह सुखाने के लिए बच्चों के लिए, ये प्रेस करने के लिए आयन रख दिया गया है। सो दिस इज अ रीडिंग हॉल फॉर द स्टूडेंट्स। Эвакуационные выходы, они автоматически открываются, когда срабатывает пожарная сигнализация. Сквозь все здание. Здесь и с той стороны. Здрасте. Сквозь все здание. Это эвакуация. Запасные выходы. Огнетушители везде. Пожарная безопасность соблюдается. Wi-Fi везде есть. Камеры везде есть. Вот видите, для Wi-Fi студент надо платить? Нет. Это все место, да? Да, все включено. So, किसी भी स्टूडेंट्स को वाईफाई के लिए अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वाईफाई वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेगी। Вот это самый зал для девочек. So, ये वॉशरूम्स बनाए गए हैं। Можете открыть, что там в нормальном состоянии? So, ये फिल्टर वाटर है, कभी आपको अलग अलग से पानी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पानी काफ़ी महंगा मिलता है। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। एंड दिस इज़ अ लॉन्ड्री रूम जहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाता है, और जो फिल्टर देख रहे हैं दैट इज़ यूज फॉर द वाटर। सो कपड़े धोने के लिए यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये बॉयज का वॉशरूम है। हाँ, सो ये एक मेस बोल सकते हैं यहाँ पर, और ये सारे स्टूल वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पर दिवाली वगैरह जब भी होता है तो ये फेस्टिवल इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं इसी जगह पे। और हम आपको दिखाते हैं किचन जहाँ पर बच्चे खुद अपना खाना बना सकते हैं। सो दिस इज़ अ किचन एरिया। आप लोग यहाँ खुद से खाना बनाते हैं? आप लोग खुद से खाना बनाते हैं यहाँ पर? ओके। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर इंडियन टोटल? हाँ, 50-60 हैं, मतलब पूरे कोर्स मिला के। अच्छा, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जो पुराने वाला हॉस्टल था वहाँ पर रहते हैं। ओके, टोटल कितने इंडियन होंगे यहाँ पर? टोटल हाँ, बाहर और यहाँ रह के। ये थर्ड फ्लोर है, तो कोई इन की पाक नहीं किया। आप इंडिया से हैं? कहाँ से? दिल्ली से। ओके, कौन सी ईयर में हो आप? फोर्थ ईयर में। ये
सो ये थर्ड फ्लोर का कॉरिडोर है। Здесь почти все студенты краткосрочные, на месяц, на два. So, यहाँ पर एक और किचन बनाया गया है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर खुद खाना बना सकते हैं। फ्रिज वगैरह सारी चीज़ें हैं, आपको कुछ अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिज, माइक्रोवेव, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। वो वहाँ पर ओवन रखा हुआ है, साथ में लाइक खाना बनाने के लिए इसको बोलते हैं रशियन में प्लेट का, तो यहाँ पर आप खाने अपने बना सकते हैं। Me wind and rain, you're some kind of butter.